यानी आए थे कौम की तरफ से, इनके नाम से रिसालत की तरफ से, आपके बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया है सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का, सर फखर से बुलंद है और एक रूह ताज़ा फूल के हर मुसलमानों में जज्बा ईमानी जो है फिर से पैदा हो गया और जो पाकिस्तान के अंदर साजिशें हो रही थी जिस सेकुलर अनासर की सेकुलरिज्म लानी थी वो उसने माशाल्लाह के अंदर वो काम कर दिया है। तमाम यानी हमारे जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ थी वो एक तरफ, हमारे बड़े बड़े दल से एक तरफ, हमारी एक तरफ, और इसकी ये तब्दील जिस अंदाज से की इसने अमली वो एक तरफ, और उसने वो कारनामा अंजाम दिया है कि सबके दिमाग दुरुस्त हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह के जज्बा लोगों के अंदर ईमान ही पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसके शेर से। और आम अल्लाह की काबिल मबान बाद जिस बाब का ऐसा बेटा हो वही मुबारक बात है भाई, जिनकी मुबारक आपके जी पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी की, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ की जो पूरे मुल्क के अंदर जज्बात का इजहार किया है आवाम ने वो भी अपनी जगह पर है और जितनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगले रश्क है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जब हड़ताल की अपील की दिल्ली के नामों से रिसाल की तरफ से तो कोई तैयारी नहीं थी, न कोई पोस्टर न कोई इश्तहार। हमारे हैदराबाद और कराची के अंदर तो दहशत तंजीम है एनटीएम की, वो जब कोई हड़ताल करवाती तो रात को तीन चार आर्मी मारती है और दो चार गाड़ियाँ जलाती है, रात भर फायरिंग होती है, तब जाकर दो चार दुकानें तब फौक से बंद हुई। और यहाँ आप हैरान होंगे कि हमारी अपील पर ना हमने कोई गोली चलाई, ना कोई पत्थर मारा किसी ने, ना कोई जनाब डंडा मारा, पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल हड़ताल थी और लोगों ने अपने इसके मुस्तफ़ा और दूसरे मोहब्बत किया और पूरी मांग। और इसी तरह जो जुलूस हुए अलहमदिल्ला वो भी बड़े तारीखी जुलूस थे, कराची की तारीख ऐसे बड़ा जलसा नहीं हुआ जो हमने किया अभी तक। अगर चीज़ें बड़ी दबाव था ISI का भी और दीगर लोगों ने किसी तरह ये जलसा दिखाया नहीं जाए टीवी पर और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाते रहे किसी या वो तो बंद किया हुआ इन्होंने, और बल्कि दबाव है कि इस कोई भी जलसा दिखाई दे रहा है। दुनिया ने देखा और गैर मुल्की मौजूद थे वो भी परेशान थे, हाँ वो भी देख रहे थे, आए थे देखने के लिए क्या मसला है। यानी आप ये देखें कि वो जो एम ए जिना रोड है बहुत बड़ा है और उसका एक सिरा है जिसके ऊपर तिब्बत सेंटर कहलाता है, वहाँ हमने अपना स्टेज बनाया था ब्रिज के ऊपर, वहाँ से लेके और कायदम का मजार डेढ़ दो मील के फासले पर है वहाँ से, और तिब्बत सेंटर से कायदम के मजार तक और मजार से भी आगे तक सारा आदमी आदमी नजर आ रहा है, कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ आदमी थे बिल्कुल ठुसे हुए बैठे थे, यानी अगर उनको खोल के अगर बैठाते तो और लंबा हो जाता है। अच्छा इश्क मुस्तफा उर्दू की मोहब्बत उर्दू का इश्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम के अंदर। और उसी वक्त जब पता चला मुझे क्या नाम है ये वाकया हुआ है और वो हुक्मरान जो है वो मौना पर भी कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तारी की और मदारिस पर भी कर रहे हैं, उसी दिन हमारा जलसा था रात को कराची का, तो रात को हमारी APC थी, उसे किसी मैंने तय करवाया कि नहीं इस मसले को जलसे के अंदर बकायदा उठाया जाए, और मैंने वहाँ से कहा कि आप उठाएं इस मसले को, हम तो करते ही रहते तो आप जरा उठाएं क्योंकि आप रह चुके हुकूमत में, तालुबात भी आपके ज्यादा है इनसे, कभी आते हैं कभी जाते हैं आप कभी अपने कभी बाहर, तो जरा आप कहूँ कि मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं कहना इसके बहाने मजहबी ताकतों को परेशान कर रहे हैं, पर मदारिस को हम साफ करेंगे और हम हिम्मत नहीं करने देंगे इस समय पर, अल्लाह का शुक्र है कि वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए मेरा यही हिकमत की अलग, अल्लाह का शुक्र है कि तहरी के नामों से रिसालत बनाने के अंदर भी हिकमत यही थी कि हुक्मरान उस वक्त तक दबाव में नहीं आएंगे जब तक कि फुल ताकत के साथ उनका मुकाबला नहीं आया। अगर हम ऐसे सुन्नत के अलग ताकत इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब दीगर ताकतें मिल जाती तो एक बड़ी ताकत मिल जाती है,
और यही हमारा काबरीन का भी तरीका रहा है कि जब उन्होंने तरीके से नबूवत चलाई, तरीके नामो से रिसालत रिसालत मुस्तफा की तरीके चली है 70 के अंदर उनको रिसला उस तमाम तरीकों में आपने देखा कि तमाम मसाले के लोगों को बिल का तरीक चला उसके मजाने कानून की थी कि हाजियानी को गैर मुस्लिम मुखालिफ करार दिया गया तो अलहमदिल्ला उसी इस नहज पर चलते हुए हमने तमाम लोगों को जमा किया कि काफी भी मजबूत ताकत बन जाए क्योंकि हुकूमत का रजत इतना दबाव है। यानी आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो करारदाद मंजूर कर रही है आप इस कानून के अंदर तरमीम कर दो और इस कानून को ख़त्म करो और आशिया बुझा करो। और इधर जना में जब वो सदर साहब जाते हैं तो वहाँ वेटिकन सिटी के अंदर वो खुद इनसे कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप ये कानून ख़त्म करें और ये वादा करके आते हैं वहाँ कि हाँ मैं ख़त्म करूँ। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाजा करें कि जब अमरीका के वज़रा सारे दबाव डाल रहे हैं इनकी पार्लियामेंट जो है वो बाकायदा करारदादे मंजूर करके इनसे कह रही हूँ तो ये तो एक हुक्म पर ही हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कोई अदना सा आदमी की वहां से आ जाए तो वो छे जाए कि इतनी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट उनको कहें और जनाब गुजरा उस ऊपर आ गए तो हिम्मत नहीं थी कि क्या है सरदारी करते उनके हुक्म से। लेकिन अलहमदिल्ला जो हमने इतना दबाव बढ़ाया और जो तरीके नामों से साहब से बड़े बड़े जुलूस और जलसे हुए अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला उस दबाव में आकर उन्होंने पीछे हट गए और कल हमारा इजलास नहीं हुआ और अलहमदिल्ला वजीर आजम साहब ने बाकायदा लिख कर दे दिया हमारे पास आ गया और प्रोसीजर के अंदर भी लिया शीर रहमान का था कि शीर रहमान दिन वापस लिया उसको भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया रिजेक्ट कर दिया। आसे के मसले भी उन्होंने कह दिया कि इस मसले को नहीं चलेगा अभी हमारे अंदर दो अलहमदिल्ला चारों काम हमारे पूरे कर लिए हैं और कल आज रात को इंशाल्लाह वहाँ लाहौर के अंदर एक अहम कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी उसमें हम ये बहुत खुशखबरी भी सुनाई इन शाला कि हमारे मुताबिक पूरे होंगे अभी मैं करना चाहूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुमताज़ काजी का मसला बड़ी इज्जत के साथ कौम पूरी कौम उसके पुष्ट के ऊपर इंशाल्लाह कल उनका ना को हमने बुलाया था अपने इलाज के अंदर भी तमाम जहाँ वहाँ आप किसी नहीं ला सके खाने भाई वहाँ के अंदर वहाँ जेल जी जेल में तो हम ये समझते हैं कि यहूद अनुभूत ने हमें भूख नंग अफलास में मुबतला करके देख दिया लेकिन हम लोग ना टूटे ना चुके हैं। एक इश्क रसूल जो हम लोगों में मौजूद है उस इश्क रसूल ने हम लोगों को संभाल रखा है और हमें फिर से मैं खड़ा कर देता हूँ उनके सामने। ये जो आपने बात की ना पोप बेनिकेट उन लोगों ने पूरी उनकी असेंबली ने यूरोपियन जो है ना तो सालत के मुताबिक हमें हदायात जारी की हैं उनको पता है ये चीज़ जो इन मुसलमानों में स्पेशली इस पाकिस्तान के अवाम में जो इश्क रसूल है इसको अगर हम लोग जो है ना खत्म कर दें तो ये खुद ब खुद खत्म तो इंशाल्लाह यकीन है कि ये चीज तो मर के खत्म हो सकती है मिट के खत्म हो सकती है या ये सब कोई भी इंशाल्लाह खत्म ना होगी। भाई ने हमारे नहीं कहते भाई है हमारा सब का भाई है पूरे आलम इस्लाम का भाई है वो एक रास्ता हमें मुतय्यन कर गया हम इंशाल्लाह उसी रास्ते के हम भी भाई इंशाल्लाह हमें उसी रास्ते पे पाएंगे। जब भी कभी ऐसा जिंदगी में कभी हमें मौका मिला कभी ऐसा वक्त आया